एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। अब ना ये चैप्टर क्लास 12th के अंदर आता है, अब टर्म 2 के अंदर पूछा जाता है। ओके, टर्म 2 के सिलेबस के अंदर है और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपने अगर CBSE ने कुछ टाइम पहले सैम्पल पेपर रिलीज़ किए थे सारे सब्जेक्ट के, तो उसके अंदर आपने ना जब केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि यार ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना आपके क्वेश्चन पेपर में, वो इस चैप्टर में से। अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, चाहे वो एसिडिक करेक्टर हो, डिस्टिंक्शन टेस्ट हो, नेमिंग रिएक्शंस हो, या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, या नेम्स हो, इतने सारे क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिए गए हैं, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइस। तो इसको तो यार सबसे पहले करना है और सबसे अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स चले गए ना तो बहुत मार्क्स जाएंगे और बहुत परसेंटेज डाउन हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहले मैं इस चैप्टर को कवर कर रही हूँ। अच्छा, टर्म 2 के मैंने और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई, आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस हैं और बाकी चैप्टर की वीडियो हैं, तो उसका लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी आई बटन में, आप वहाँ से देख लेना। वो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, मोस्टली मैंने ट्रिक्स टिप्स शेयर की हुई हैं आपके साथ, जो आपको जो है ज़्यादा देर तक याद भी रहेंगे, क्योंकि टिप्स ट्रिक्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा याद रहते हैं ना। चलिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो वीडियो देख लेना। आज जो है हम IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। हम नाम से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए नाम में ही सब कुछ रखा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पर हमें नाम नहीं पता, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम आना सबसे ज़रूरी है, यू शुड नो द नेमिंग फर्स्ट। बाकी कहानी बात की है कि रिएक्शन कैसे बनाएं या मैकेनिज्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्शन वो बात की कहानी है, पर सबकी फाउंडेशन जो है ना वो नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड है। तो नाम पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो आपको किसी ने कह दिया बेंजल्डिहाइड से समथिंग समथिंग कुछ बनाओ, तो यू शुड नो कि व्हाट इज दिस बेंजल्डिहाइड इज़। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं आपसे सारे टिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो में टिप्स आ रही है, टिप्स और ट्रिक्स आ रही है, तो सारे टिप्स शेयर करूँगी कि आप जब नाम देखते हैं किसी का या जब आपको किसी का नेम लिखना होता है तो आपको कौन कौन से टिप्स यहाँ पे फॉलो करने। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर योर दिस चैप्टर। ओके, नाउ तो अच्छे अच्छे नोट्स बनाने लगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि यार मैं तो बता के निकल लूँगी पर अगर आपने लिखा नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे, कोई भी भूल जाएगा। तो भाई कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, वीडियो को चाहे पॉज कर दो, जल्दी से कॉपी पेन लेकर आओ और कॉपी पेन लेके बैठो, और मैं आपके साथ कुछ 5-6 ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसमें आपका सारा नाम क्लियर हो जाएगा। बाद में मैं आपसे कॉमन नेम भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वही जो आप हमेशा करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ताकि ये चैनल थोड़ा अच्छा ग्रो कर जाए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है ट्रिक नंबर 1। क्या कहती है ट्रिक नंबर 1? देखो, अगर आपके पास जब भी आप किसी का नाम लिखते हैं ना, तो आपको ना एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। अब ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए लगेगा। ओके, जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक का कंपाउंड दिखता है तो यू हैव टू फॉलो दी सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में आप उसका नाम लिख रहे हैं, और ये सीक्वेंस आपको ख़राब नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नेमिंग सीक्वेंस, नाम लिखने के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, तो सबसे पहले, अच्छा ये सीक्वेंस ना इज एवरीथिंग, लाइक इट इज़ द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ योर नॉमेनक्लेचर। जैसे सबसे पहले आपको नाम लिखना होता है सब्सट्रेंट का, ठीक है, उसके बाद आप नाम लिखते हैं वर्ड रूट का। मैं बताऊंगी इनके मतलब क्या है, सबसे पहले सब्सटेंट का नाम, फिर वर्ड रूट का नाम, फिर आएगा बॉन्ड का नेम, और लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप का नाम। दिस इज नॉट योर प्रायोरिटी ऑर्डर, ये प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि किसको प्रायोरिटी दे नंबरिंग में, इट इज योर राइटिंग सीक्वेंस, ठीक है, राइट नेमिंग सीक्वेंस या राइटिंग सीक्वेंस भी आप इसको कह सकते हैं कि किस उसमें आपको ये नाम लिखना है। ओके, नाउ अब ना इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि किसको आप सब्सटेंट लेके चलेंगे, किसको वर्ड रूट लेके चलेंगे। सब्सटेंट का मतलब होता है आपके पास जो ऑर्गेनिक में आप सब्सटेंट लेते हो वो या तो हैलोजन हो सकते हैं एक्स, ठीक है, या आप नाइट्रो या अल्काइल ग्रुप, या आपके पास OR अल्कोक्सी इथॉक्सी बेसिकली, ठीक है, इथॉक्सी मिथॉक्सी प्रोपॉक्सी। तो इसके लिए वर्ड आता है हेलो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो, इसके लिए वर्ड आता है नाइट्रो, इसके लिए वर्ड आता है अल्काइल। ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जैसे अगर एक कार्बन हुआ तो मिथाइल, दो कार्बन हुआ तो इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल एंड सो ऑन।
और ओआर जो होता है एक ईथर का पार्ट होता है जिसके लिए वर्ड आता है एल्कॉक्सी। अब एल्कॉक्सी कॉमन नेम है, अगर एक कार्बन है तो मीथॉक्सी, दो कार्बन है तो ईथॉक्सी, प्रोपॉक्सी एंड फॉर, पर सबको हम सब्सटेंटिव मानते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, या ऐसे लिख दीजिए नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, मतलब जिस चेन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितने कार्बन है उसको वर्ड रूट कहते हैं। अगर एक कार्बन है तो मिथ बोलना है, दो कार्बन है तो इथ बोलना है, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट एंड सॉन्ग चलता जाएगा। ये आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा ना। बॉन्ड अब यहाँ पे कौन सा लेना है, देखिए बॉन्ड आपको दो ही, बेसिकली आपको सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेना है, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन का होना चाहिए, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन, ये आ जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि हम चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मोस्टली हम उसी पे फोकस करेंगे। वैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा अल्कोहल हो सकते हैं, अमाइंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो एक तो ट्रिक ये हो गई कि यू शुड नो द राइटिंग सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में आपको नाम लिखना है। अब मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। मान लीजिए किसी का नाम है राम, ओके, और उनका सरनेम है शर्मा, और मिस्टर तो खैर आगे लगाना ही है, तो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है ना, पहले मिस्टर मिसेस जो भी है वो, फिर बंदे का नाम और बंदे का फिर सरनेम, यही होता है। तो शुड बी मिस्टर राम शर्मा, आप ऐसा तो नहीं लिख सकते ना राम मिस्टर शर्मा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ये भी इनके भी तो नाम है ना, तो इनके नाम भी आप एक सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, दिस इज योर सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है विच इज ट्रिक नंबर टू। क्या कहती है ट्रिक नंबर टू? ट्रिक नंबर टू कहती है कि भाई ऐसा है, आप तीन टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने वाले हैं, कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखने वाले हैं। तो आपको इनके लिए के जो नाम यूज होता है वो याद रखना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड के लिए जो नाम यूज होता है, अच्छा एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, वो होता है सी एच ओ, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ होगा और एच होगा। अच्छा यहाँ पे ना मैंने बॉन्ड छोड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन या रिंग हो सकती है, कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट आप यहाँ लगा सकते हैं, बस वहाँ सी एच ओ तो पक्का ही होगा, क्योंकि कार्बन बनाता है टोटल चार बॉन्ड, चार में से तीन तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं, दो ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, बाकी जो फोर्थ बॉन्ड है उसमें कोई भी चेन या रिंग हो सकती है, ओके। कीटोन के लिए जो आप लगाते हैं वो सी ओ आर, सी ओ लगाते हैं, मतलब दोनों तरफ आपके चेन ही होनी चाहिए या रिंग होनी चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप लगाते हो सी ओ ओ एच, तो चाहे तो मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ सी ओ आर, ये भी ठीक है। तो दिस इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सी एच ओ, इसको आप लिखते हो सी एच ओ, या फिर इसको लिखते हो सी ओ आर, या इसको लिखते हो सी ओ एच, मतलब आप इनको कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो ना। अब एल्डिहाइड के लिए जो नाम आएगा ना उसको बोलते हैं अल, एल्डिहाइड के लिए नाम आता है अल, ओके। कीटोन के लिए नाम आता है ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नाम आता है ओइक एसिड, अल ओन ओइक एसिड, ये नाम आपको याद रखना है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि अच्छे से बात समझ आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए सपोज करो आपको नाम लिखना है, आपको नाम लिखना है सी एच थ्री सी एच ओ, तो आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? देखिए फर्स्ट यू हैव टू डू द नंबरिंग, आपको नंबरिंग करनी है, नंबर में आपको दिख ही रहा है एक ही चेन है, स्ट्रेट चेन है और उसके अंदर दो कार्बन है, तो आप लिखेंगे वन और टू। और नंबरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे? सबस्ट्रेंड का, बट सबस्ट्रेंड यहाँ कोई है नहीं, कोई ब्रांचिंग में कुछ नहीं लगा हुआ, तो इग्नोर, जब कुछ नहीं लिखा तो इग्नोर कर दो। आगे आप चलेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब होता है कितने कार्बन है चेन में, तो कितने कार्बन है? दो, तो दो कार्बन के लिए वर्ड लगाओगे आप इथ, ठीक है। बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल ही है तो एन, और लास्ट में आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ है जिसको आप एल्डिहाइड कह रहे हैं, जिसकी वजह से आता है अल, तो आ जाएगा अल। अब ध्यान रखना आपने, जब आप बॉन्ड खत्म करते हैं, जब आप बॉन्ड का नाम खत्म करते हैं, तो अगला अगर वॉवल है जैसे ए ई ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं है ना, तो आप ये वाला ई कैंसिल कर देंगे। अगर बॉन्ड के बाद वॉवल आ रहा है तो आप बॉन्ड का जो ई है वो कैंसिल कर देंगे, तो इसका नाम बनेगा इथेनल। ये प्लस साइन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है, प्लस साइन आपने नहीं लगाना, मैं तो समझा रही हूँ उसने लगा दिया ना। सपोज करो आपके पास है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, तो वन टू थ्री,
अब मैंने बोला था फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है, पर ध्यान ये रखना है कि ऐसा नहीं कि हमने बीच में से वन लिख दिया, वन हमेशा साइड वाले कार्बन पे लिखते हैं, एंड वाला कार्बन, तो या तो एंड ये है या ये है, ये एंड नहीं है। ओके, अब सब्सटेंट कोई है नहीं तो छोड़ दो, वर्ड रूट में तीन कार्बन है तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और टू पे लगा है, अब ये क्या लगा हुआ है, देखो ध्यान से देखो क्या चीज़ है, सी डबल बॉन्ड हो और दोनों साइड चेन है, तब जब दोनों साइड चेन होती है, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया आर सी ओ आर, ठीक है, आर सी ओ आर, तो दोनों साइड जब चेन होती है तो उसको कीटोन कहते हैं, तो कीटोन में, या मैं इसको लिख भी सकती हूँ यहाँ आर, दिस इज योर चेन, तो दोनों साइड जब चेन होती है तो उसको कीटोन कहते हैं, तो ये ओन है, अब ई कट जाएगा तो प्रोपेनोन। अच्छा, एक और बात मुझे आपको बतानी है कि जब भी आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं तो पोजीशन के साथ लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा पोजीशन के साथ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है, टू पे लगा है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन टू ओन, सही है बात। नाउ इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 CH2 COH, सिंपल है बहुत, आई थिंक आप कर सकते हैं, 1 2 3, तो तीन कार्बन के लिए, अच्छा सब्सटेंट कोई है नहीं तो छोड़ दो, वर्ड रूट में तीन कार्बन है तो प्रोप, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और आपको पहचानना है सीओएच क्या होता है, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो प्रोपेन वन कार्ब वन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, वन को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बोला फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखते हैं, पर वन लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोपेन वन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नाम क्या आएगा, ओइक एसिड, यानी कि प्रोपेन ओइक एसिड। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा भी करा देती हूँ जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपने लिखा CH3 CCl CH2 CHO, तो यहाँ पे आपके पास, अगर ऑब्वियसली आपको नंबरिंग करनी हो, नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो इट इज योर 1 2 3 4। ओके, नाउ अब टू पे तो एल्डिहाइड लगा ही है और थ्री पे आपके पास क्लोरीन लगा है, जितने भी हैलोजन होते हैं वो सारे सब्सटेंट होते हैं, तो ये आपके पास आ गया सब्सटीट्यूएंट, सही है बात। नाउ अब नाम लिखेंगे तो चार कार्बन की, अच्छा पहले सब्सटेंट का नाम लिखते हैं, याद कीजिए राइटिंग सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाया, तो चार कार्बन के लिए वर्ड आता है, अच्छा सॉरी, सबसे पहले सब्सटेंट का नाम लिखते हैं विच इज क्लोरो, और तीन पे लगा है तो थ्री क्लोरो, वर्ड रूट में चार कार्बन है तो ब्यूट, बॉन्ड सारे सिंगल है तो एन, और वन पे लगा है एल्डिहाइड, तो यानी कि अलाजय, तो इट विल बी द फुल नेम। ओके, नाउ अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे, विच इज ट्रिक नंबर थ्री, ट्रिक नंबर थ्री। नाउ ट्रिक क्या है, ओके देखिए, मोस्टली ना ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल आएगा जिसमें, देखिए अगर आप एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, ठीक है, तो सब में अपनी कार्बन है ना, एल्डिहाइड में है CHO, अपनी कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, कीटोन में है सी डबल बॉन्ड ओ, और कार्बोक्सिलिक एसिड में है COH। अब जब कीटोन होता है ना उसके दोनों तरफ चेन होती है, तो कीटोन तो कभी भी एंड पे नहीं लगा सकते आप, कीटोन के दोनों तरफ चेन होती है तो कीटोन आप कभी भी एंड पे नहीं लगा सकते, वो बीच में ही आएगा, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। पर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ना कई बार ऐसा होता है कि कार्बन जो होती है नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो रही होती है, जैसे ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट इंक्लूडेड, अब थोड़ी राइटिंग में बेकार लिख रही हूँ क्योंकि मैं राइटिंग में ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आपको बेकार लगे, बट मैं बोल सही रही हूँ, ठीक है, इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन नंबरिंग, इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड नंबरिंग, किसी वजह से अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नंबर नहीं मिल रहा, अब ये ऐसी ट्रिक है जो मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, या तो सुनते ही नहीं है या फिर इसको इग्नोर कर देते हैं, तो मोस्टली बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो ध्यान से समझिए, ठीक है, इग्नोर हो जाती है ट्रिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन नंबरिंग, तो वहाँ पर ना नाम चेंज हो जाता है, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि CHO का नाम क्या आता है, अल आता है, अल CHO की वजह से अल आता है, बट अब अल नहीं आएगा, अब आएगा कार्बेल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ओके, सिमिलरली COH की वजह से आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन के लिए क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज कीटोन में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं, तो प्लीज रिमेंबर CHO की वजह से कार्बेल्डिहाइड आता है, COH की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। मैं आपको क्वेश्चन से बात समझाती हूँ, देखिए सपोज कीजिए कि आपने एग्जाम्पल लिखा ये
अब ना क्योंकि इसमें रिंग भी आ गई, ओके, और ऑब्वियसली रिंग में कार्बन ज़्यादा है तो आप रिंग को प्रेफरेंस देंगे। जब आप रिंग की नंबरिंग करते हैं ना बेटा, तो वो हमेशा क्लोज होनी चाहिए, जहाँ से आप वन लिख रहे हैं ना वहीं पे वो क्लोज आना चाहिए। तो मैं लिखूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट शुड बी क्लोज्ड। अब ऐसे में सी एच ओ को तो नंबर मिला ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो क्योंकि सी एच ओ के कार्बन को नंबरिंग नहीं मिली है तो इसको अल नहीं कहना है, इसको बोलना है कार्बेल्डिहाइड। तो नाम क्या होगा ना? सीक्वेंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले वर्ड रूट के में कार्बन आता है 6, यानी कि हेग्स। बॉन्ड सारे सिंगल हैं तो एन, और वन पे अल नहीं लगा, ऐसा नहीं लिखना हेग्जेन वन अल, वन पे अल नहीं लगा, वन पे लगा है कार्बेल्डिहाइड, तो आप लिखेंगे हेग्जेन वन कार्बेल्डिहाइड। ओके, तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिमिलरली सपोज करो कि आपके पास है ये, आपको इसका नाम लिखना है ना। अब ना आप पहले ये समझिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो इट मस्ट बी कीटोन। अब कीटोन में, अब आप नंबरिंग, ये जो कीटोन की कार्बन है ना रिंग में ही आ रही है, तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस केस में फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को भी नंबरिंग मिली है, जैसे कीटोन में ये जो कार्बन है इसको आपने 1 नंबर दिया है, तो इसीलिए आपको इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। कीटोन का जो नॉर्मल नेम होता है विच इज़ ओन, वही लिखना है, ठीक है? तो आप लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन वन ओन, दैट्स इट, नो नीड टू चेंज, बिकॉज इसका नंबरिंग इंक्लूड हो रहा है। मैंने तभी बोला था कि कीटोन का नंबर हमेशा, कीटोन का कार्बन हमेशा नंबरिंग में आएगा, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। सपोज करो आपको इसका नाम लिखना है, तो याद कीजिए इसका नाम क्या लिख सकते हो आप, खुद करो क्वेश्चन और मुझे बताओ। लिख लिया ना, क्या लिखा? देखो आप सी एच ओ को जो है नंबरिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसकी कार्बन को नंबरिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप रिंग की नंबरिंग कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सी एच ओ तो रह गया अकेला अकेला, और कितने सी एच ओ रह गए? 2 रह गए, पोजिशन बताएं तो 1, 3, तो आप इसको लिखोगे बेंजीन, क्योंकि इसको बेंजीन कहते हैं, 1, 3, बिकॉज दो जगह पे हैं। डाई अल नहीं कहना, कार्बोजेलिक एसिड कहना, डाई कार्बोजेलिक एसिड, 1, 3 डाई कार्बोजेलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जितनी भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, या जो आप क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं उसमें मिलेगी, तो सबको आपने नोट डाउन करना है। नाउ ट्रिक नंबर 4 क्या कहती है? ट्रिक नंबर 4 कहती है कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें रिंग भी है और कोई चेन भी है, साइड चेन भी है। ओके, जैसे अगर आपके मॉलिक्यूल में, इफ मॉलिक्यूल कंटेन, जिस मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं, इट कंटेन बोथ रिंग प्लस चेन, साइड चेन भी है, साइड चेन कह दीजिए इसको, बोथ रिंग प्लस साइड चेन, उस केस में आपने क्या करना है? देखिए उस केस में आप मेन किसको मानेंगे, रिंग को मेन मानेंगे कि चेन को मेन मानेंगे? बाय मेन आई मीन कि आप नंबरिंग किसकी करेंगे, रिंग की करेंगे कि चेन की करेंगे? क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही कर सकते हैं, या तो रिंग की या तो चेन की, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अच्छा मुझे इसकी नंबरिंग करनी है तो मैं ऐसे लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट इज़ नॉट पॉसिबल, रिंग क्लोज होती है। ओके, तो जब रिंग और चेन दोनों हो एक ही मॉलिक्यूल में, तो आप उसका नंबरिंग कैसे करते हैं? तो देखिए आपने ये देखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, चेन में है या रिंग में है, और जहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वही आपके लिए मेन है। ओके, अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप हो, बच्चे मुझे पता आधे बच्चे ये बोलने वाले हैं कि मैम अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप है तो भैया जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है फंक्शनल ग्रुप की उसको आपने मेन मान लेना है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो इफ मॉलिक्यूल कंटेन बोथ रिंग एंड साइड चेन, तो उसमें मेन उसको मानना है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको आपने मान लेना है मेन। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगी जो आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे सपोज करो आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ओके, और एक मॉलिक्यूल ये दे दिया, इन दोनों का नाम बिल्कुल अलग है, कैसे? नाउ अब देखो इस मॉलिक्यूल में, अगर आप इस पे फोकस करें तो इस मॉलिक्यूल में
एक रिंग है बेंजीन रिंग, वो एक साइड चेन है ना। नाउ अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है, रिंग पे लगा कि साइड चेन पे लगा? ऑब्वियसली साइड चेन पे लगा है, सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसको मेन मानेंगे, ठीक है? तो मेन मानेंगे तो मतलब नंबरिंग इसकी करेंगे, तो वन और टू। अब ऐसे नहीं करना कि वन टू के बाद थ्री फोर लिख दिया, दिस इज रॉन्ग। रिंग में नहीं कर सकते आप, आपने चेन की नंबरिंग कर दी तो कर दी। तो फिर ये क्या है, अगर अगर आपने मेन वहाँ मान लिया जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने चेन को तो मेन मान लिया, तो ये बचा हुआ इसको क्या कहेंगे? देखिए वैसे तो आप इसे बेंजीन देख रहे हैं, पर जब बेंजीन एज अ सब्सटेंट काम करती है तो उसको फिनाइल कहते हैं। क्या बोला मैंने, कहीं लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बेंजीन सब्सटिट्यूएंट होती है तो उसका नाम फिनाइल होता है। एक्चुअली वो बेंजीन नहीं होती, बेसिकली वो C6H5 होता है, पर फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। बेंजीन जब भी सब्सटेंट का काम करती है उसको फिनाइल कहते हैं, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे देखिए, टू पे क्या लगा है, टू पे जो रिंग लगी है वो आपके लिए एक सब्सटिट्यूएंट है, बेंजीन रिंग एक सब्सटिट्यूएंट है, और सब्सटिट्यूएंट में इसका नाम फिनाइल होता है। तो आप कहेंगे कि टू पे लगा है फिनाइल, ठीक है जी। अब आप नंबरिंग कैसे करेंगे, तो आप सब्सटिट्यूएंट की नंबरिंग सबसे पहले करते थे, सॉरी आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सब्सटिट्यूएंट का नाम आप सबसे पहले लिखते थे, तो आप लिखेंगे टू फिनाइल, ठीक है जी। टू पे तो फिनाइल हो गया, वर्ल्ड रूट में दो कार्बन है तो इथ, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और वन पे लगा है अल, तो टू फिनाइल इथेन वन अल, दैट्स फाइन। अब यहाँ जाओ, यहाँ पे जो सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है इसमें कोई साइड चेन नहीं है, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, वो रिंग पे डायरेक्ट लगा है, ठीक है? तो इस केस में आप, अच्छा जब रिंग पे डायरेक्ट बेंजीन पे डायरेक्ट सी एच ओ लगता है तो उसका एक अपना नाम भी होता है स्पेशल। जब बेंजीन पे डायरेक्ट सी एच ओ लगा होता है तो उसका एक अपना नाम होता है। पहली बात तो इसे मेन मानेंगे, या तो आप इसे लिख सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, जैसे मैंने आपको भी बताया, या फिर आप इसे सिंपली लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। तो बेंजीन के ऊपर जब सी एच ओ होता है तो वो कहलाता है बेंजल्डिहाइड, ओके? और ये जो CH3 है, अब आपका सब्सटेंट बन गया। जब आप इसका नंबरिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे, फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने हैं, तो वन टू और थ्री। तो आप कहेंगे कि थ्री पे क्या लगा है, सब्सटेंट लगा है और नाम है उसका मिथाइल, तो इट विल बी थ्री मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल, इसका मतलब हुआ बेंजल्डिहाइड के थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगा है। सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिक है, विच इज ट्रिक नंबर 5, दैट इज इफ टू आर मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अगर आपके एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट तरीके के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करें? बहुत सीधा सा हिसाब है, आपने क्या करना है, उन फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करना है, ठीक है? और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, मान लीजिए तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी आपने उसको मान लेना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी सारे विल एक्ट एज अ सब्सटिट्यूएंट, ठीक है? नाउ जैसे अब अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ, तो प्रायोरिटी जो है, अब क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, फिर होती है एल्डिहाइड की, और सबसे कम होती है कीटोन की, ठीक है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, हाँ दो से ज़्यादा होंगे बेसिकली, दो या दो से ज़्यादा, तो उस केस में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। देखिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, CUH की। तो अगर ये तीनों इकट्ठे पाए जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, अगर ये तीनों आपको मिल रहे हैं ना, तो आपको CUH को मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना है, और बाकी सारे विल एक्ट एज अ सब्सटेंट। तो जब ये एज अ सब्सटेंट एक्ट करते हैं तो इनका नाम ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है इनका नाम, जैसे अब अगर आपका एल्डिहाइड सब्सटिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर आपका एल्डिहाइड कब एक्ट करेगा, जब उससे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप मौजूद होगा। तो अगर एल्डिहाइड सब्सटेंट की तरह काम कर रहा है तो उसके लिए नाम आता है फॉर्माइल, ठीक है? अगर आपका कीटोन है तो कीटोन के लिए नाम आता है ऑक्सो, या कीटो भी कहते हैं इसको, ऑक्सो या कीटो। तो अगर आपका इफ टू और मोर फंक्शन डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट, तो आप इसे लिख सकते हैं, इफ टू लिखो, इफ टू और मोर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट देन द फंक्शनल ग्रुप हैविंग द हाइएस्ट प्रायोरिटी, देन द फंक्शनल ग्रुप हैविंग द हाइएस्ट प्रायोरिटी विल कंसिडर एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड द अदर विल बिकम सब्सटिट्यूएंट, एंड अदर विल बिकम सब्सटिट्यूएंट, ओके? नाउ जैसे एक एग्जाम्पल से इसको कन्फर्म करते हैं, जैसे लेट सपोज वी हैव CH3 CO CH2 CHO,
एनालाइज कीजिए कि इसमें कितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और कौन कौन से, करो एनालाइज। दो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एक CHO जो एल्डिहाइड है और एक आपका कीटो। अब एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। और क्योंकि अब इससे हायर प्रायोरिटी का, क्योंकि साथ में कीटोन है जिसका प्रायोरिटी कम है, क्योंकि साथ में कीटोन है जिसका प्रायोरिटी कम है, तो दिस विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। मुझे पता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, बट हेयर इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। सही बात ना? और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो इसका नाम है ऑक्सो या कीटो। तो अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग तो उसी करेंगे जैसे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, तो 1, 2, 3, 4 नंबरिंग तो करनी है, ठीक है ना? अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, मैंने आपको राइटिंग सीक्वेंस लिखवाया था। तो 3-ऑक्सो वर्ट वुड में है 4 कार्बन, तो ब्यूट बॉन्ड सिंगल है तो एन और वन पे लगा है अल, तो इसका नाम हो जाएगा 3-ऑक्सो ब्यूटेनल। ओके, तो आपको समझ आना चाहिए कि वैसे ये फंक्शनल ग्रुप ही है, बट क्योंकि इससे हायर प्रायोरिटी का मौजूद है तो इसको फिर हमने मान लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट, ये वही बात होगी कि मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है और आपके प्रदेश के, आपके राज्य के जो हैं CM वहाँ पर आते हैं, तो वो गेस्ट है, चीफ गेस्ट है वो। पर मान लीजिए कि हमारे कंट्री के PM भी वहाँ पर हैं, तो PM और CM में आप प्रायोरिटी देखेंगे ना, आप किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसकी कम है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसको चीफ गेस्ट बना दोगे, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको थोड़ा सा वैसा वाला गेस्ट बना दोगे कम वाला, ठीक है? तो दो लोगों में यू हैव टू सी द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे भी आपको प्रायोरिटी देखनी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव आवर ट्रिक नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। क्या? देखिए जो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड पे लगते हैं और इनमें कार्बन तो होती होती है। देखो वैसे हमारी कोशिश रहती है कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा नंबर दें। जैसे अब मैं आपको पहले एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे सपोज करो आपके पास है CHO CH2 CH2 CHO, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। अब ये मत करना कि एक को फंक्शनल ग्रुप मान लोगे, एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे, वो तब होता है जब डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, वर्ड रूट में 4 कार्बन, तो ब्यूट बॉन्ड सिंगल है तो एन, और मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ CHO, और 1 और 4 पे, दोनों पे ही फंक्शनल ग्रुप लगा है और अल लगा है, अल सेम ही लगा तो डाई वर्ड आ जाएगा, तो ब्यूटेन 1,2-डायल। सही है ना? अब देखिए यहां पर आपके पास एक को चेंज कर देते हैं सिचुएशन को। कैसे? मान लीजिए आपके पास है CHO CH2 CCHO CH2 CHO, ये आपके पास। अब ना इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप चाह कर भी सारे फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये रह गया CHO, रह गया ना, ठीक है? अगर मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, तो ये रह गया। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप सारे फंक्शन ग्रुप को नंबर नहीं दे सकते। यहाँ पे आप दोनों फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग दे पा रहे थे क्योंकि वो चेन का हिस्सा थे, पर यहाँ पे आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखो यही है हमारा ट्रिक नंबर 6। अगर आपके पास एक ही फंक्शन ग्रुप अलग अलग जगह पे है, ठीक है, पर दुर्भाग्यवश आप उन सबको नंबरिंग नहीं दे सकते क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा छूट रहा है। तो अगर आप किसी एक को भी छोड़ रहे हैं ना, तो आपको सब छोड़ देने हैं। किसी एक को भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको सब छोड़ देना है। जैसे मैं किसी इसको नहीं दे पा रही नंबरिंग, पर इन दोनों को मिल रही है, तो किसी को नहीं मिलेगी। मतलब नंबरिंग मिलेगी तो सबको मिलेगी, वरना किसी को नहीं मिलेगी। बराबरी का अधिकार है ये, समानता का अधिकार बोल रहे हैं यहाँ पर, तो गलत है, इसको भी नंबरिंग नहीं देनी। तो फिर आप करेंगे क्या? यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं देंगे ही नहीं, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, किसी को एक को नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी, समानता का अधिकार। तो 1, 2, 3 1, 2, 3, सही है जी ना? अब 1, 2, 3 के बाद बाकी आपको पता है। अच्छा, अब आपने ने नंबरिंग नहीं दी, और अभी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि जब आप अपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हैं तो उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब आप अपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग नहीं देते तो उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे वैसे इसका नाम अल होता है, पर अब इसका नाम है कार्बेल्डिहाइड, ठीक है? तो आप 1, 2, 3 पे अल नहीं लगा है, कार्बेल्डिहाइड लगा है, तो नाम होगा इसका
है ये फंक्शनल ग्रुप ही, बिकॉज सेम है ना एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो है ये फंक्शनल ग्रुप ही, पर इनका नाम चेंज हो गया. तो आप लिखोगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा. तो आप लिख सकते हैं इफ ऑल दी इफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट पोजिशन and if it is not possible to include all the carbon all the if it not possible to include the carbon of all the functional group same all the functional group then hum kisi ko bhi naam nahi denge. Sahi hai? Okay, so इसी के साथ आपके IUPAC nomenclature खत्म होते हैं. कुछ common name भी हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे. It is very very important. In fact इनके common name ना ज़्यादा famous हैं. तो यहाँ पे मैंने इनके कॉमन नेम लिख दिए. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ठीक है, और एसिटोफिनोल, इट इज ओके. तो ओके, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटोफिनोल, इनको ना आप IUPAC में भी यूज़ कर सकते हो और कॉमन नेम में भी यूज़ कर सकते हो. बोथ IUPAC एंड कॉमन नेम में ये यूज़ होते हैं. ओके, जैसे अगर आपको बेंजल्डिहाइड लिखना है तो बेंजल्डिहाइड IUPAC में भी माना जाता है और कॉमन नेम में भी माना जाता है, तो ये दोनों में सेम आ रहा है. तो आपको ये नाम तो भाई याद रखने ही पड़ेंगे. तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम की लिस्ट बना दी. आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लो या इट विल बी मोर बेटर कि आप इसको लिख लो, ठीक है ना. अभी के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने डू इट योरसेल्फ खुद करने हैं और कमेंट में मुझे इनके आंसर्स बताने हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे. तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. एक नया इसका टॉपिक लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कोई सजेशन होंगे तो बता देना. थैंक यू सो मच.